नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। राम मंदिर निर्माण का रास्ता हुआ साफ, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ भागलपुर का नाम, 6,000 बच्चों ने मन में बापू कार्यक्रम के जरिए दुनिया को दिया शांति का संदेश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर दोनों समुदाय के लोगों ने जताई खुशी, कहा दोनों धर्मों का हुआ सम्मान। राज्य स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता में नाथनगर के देवकृष्ण को मिला प्रथम स्थान, राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ चयनित। और सोमवार को जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल रहेंगे बंद, डीएम प्रणव कुमार ने जारी किए संदेश। और अब खबरें विस्तार से। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने विवादित जमीन पर रामलला के हक में निर्णय सुनाया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को राम मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने में ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिए हैं। कोर्ट द्वारा आए फैसले को लेकर भागलपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सभी चौक चौराहों पर दंडाधिकारी के साथ भारी मात्रा में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। डीआईजी विकास वैभव, डीएम प्रणव कुमार और एसएसपी आशीष भारती खुद संवेदनशील अति संवेदनशील स्थानों पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीएम ने दोनों समुदाय के लोगों से आपसी सौहार्द और सद्भाव के साथ रहने की अपील की है। वहीं डीएम ने अफवाह फैलाने वाले शरारती तत्व के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। डीआईजी विकास वैभव ने कहा कि शांति भंग करने वाले एवं सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिलेवासियों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सभी जगह हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, कोई भी ऐसे तत्व जो शांति भंग करने का प्रयास करेंगे उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी हम लोगों ने पैनी नज़र बना रखी है, हम लोग निगरानी रखते हैं। लोगों से हमारी अपील होगी, कृपया किसी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। हर जगह शांति है और शांति बनाए रखने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। किसी भी प्रकार की कोई सूचना मिलती है तत्काल हमें सूचित करें, हम लोग उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जो काफ़ी दिन से पता था कि आज आने वाला है, जजमेंट आ गया है और सभी लोगों से यही अनुरोध है कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना हर नागरिक का दायित्व है और काफ़ी सभी जगह जो भी संवेदनशील स्थान हो सकते हैं वहाँ मजिस्ट्रेट फोर्स की तैनाती की गई है। लोगों से अनुरोध है कि किसी तरह के अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। हम लोगों ने किसी भी तरह के विजय जुलूस या शोक जुलूस, क्योंकि इंटरप्रिटेशन जजमेंट का, जजमेंट जब आएगा लोग कर सकते हैं किसी तरह से भी, तो किसी भी तरह के जुलूस को निकालने पर 144 में पाबंदी लगा दी है। और इसके अतिरिक्त सारे हम लोग लगातार निरीक्षण और भ्रमण करके हर चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। वहीं राम मंदिर पर फैसला आते ही नौगछिया में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रत्येक चौक चौराहों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। नौगछिया एसपी निधि रानी सुरक्षा की मॉनिटरिंग खुद कर रही है। एसपी ने सभी लोगों से आपसी सद्भाव के साथ रहने की अपील की है। वहीं किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और पुलिस को अविलंब इसकी सूचना देने की बात कही। यस वी कैन डू भागलपुर द्वारा आयोजित मन में बापू कार्यक्रम ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। कार्यक्रम को लेकर आयोजन समिति के सदस्य काफी उत्साहित है। शनिवार की सुबह भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड में 6,000 बच्चे ने गांधी की वेशभूषा में विश्व को शांति का संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, विश्वविख्यात पर्वतारोही पद्मश्री संतोष यादव, सांसद अजय मंडल, संयोजक अर्जित शाश्वत चौबे, संयोजक दीपक शर्मा एवं अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इसके बाद मौजूद अतिथियों ने गांधी जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान बच्चों के द्वारा बापू के प्रिय भजन, नाटक एवं संदेशों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से दर्शाया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भागलपुर के बच्चों ने विश्व में अपने शहर का सुनहरे अक्षरों में नाम दर्ज करा दिया है। देश भर में जो यह विचार 150वीं जन्म जयंती में जो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं पूज्य बापू के प्रति, ये हम सब लोग नमन करते हैं। और भारत को स्वच्छ भारत, निर्मल भारत, स्वस्थ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रति विश्वास, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का यह शांति का संदेश
दुनिया भर के लोगों के प्रति है, हम उसको कायम बनाए रखेंगे, आज यही हमारी ओर से। वहीं पद्मश्री संतोष यादव ने कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ भागलपुर के लिए एक लंबी लकीर खींची गई है जो मील का पत्थर साबित होगी। बहुत सुंदर ये कार्यक्रम हुआ है और मैं समझती हूँ कि ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता है, केवल भागलपुर में नहीं पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में, क्योंकि हमें एक साधक युवाओं की ज़रूरत है। और अरिजीत करना पड़ता है, चौबे जी जो है उन्होंने ये साबित किया है और मैंने कई कार्यक्रम उनके अटेंड किए और जब भी मुझे आमंत्रित किया जाता है मैं ज़रूर आती हूँ, क्योंकि वह अपने आप में एक इतना साधक युवा है। मैं समझती हूँ कि हमारे जो जो युवा पीढ़ी है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको इनको प्रेरणा का स्रोत मान करके इनके बच्चों पे चलना चाहिए। संयोजक अरिजीत शाश्वत चौबे ने कार्यक्रम की सफलता के लिए शहर के सभी सामाजिक संगठनों और यस वी कैन डू की टीम को बधाई दी है। हम लोग पिछले एक महीने से यस वी कैन डू की टीम निरंतर भागलपुर के विभिन्न कोनों में जाकर के अवेयरनेस कर रही थी, जन जागरण कर रही थी भागलपुर के यश को बढ़ाने के लिए, भागलपुर को पुनः उसका वैभव दिलाने के लिए और अन्य जनपद का नाम रोशन करने के लिए। भागलपुर में हम लोगों ने यह तय किया कि कैसे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण, और उन्होंने जो कहा है वृक्षारोपण, वो सभी विषयों को लेकर के अगर बापू अभी होते, बापू अगर हमारे सामने होते तो आज़ादी की लड़ाई आज नहीं होती कि हम लोग स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण को कैसे प्राप्त करें, कैसे अच्छे बने, कैसे ग्रीन हो, और भागलपुर का जो ये लंग्स है इसमें, इस फेफड़े में कैसे ऑक्सीजन भरे, इसी के लिए आज मन में बापू को रख करके हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया। भागलपुर में 50 से भी ज़्यादा जो स्कूल हैं वो इसमें सम्मिलित हुए और आपको मैं बता दूं 6,500 से भी ज़्यादा विद्यार्थी थे। इसके अलावा 1,000 वॉलंटियर हमारे थे, 7,500 युवा यहाँ पर उपस्थित थे, उनके अभिभावक यहाँ पर उपस्थित थे, 10,000 की संख्या में लोग यहाँ पर आज आए थे इस कार्यक्रम को देखने के लिए। मैं बस धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड मैक्सिमम गांधी जी एक जगह पर उपस्थित होना, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भागलपुर के नाम दर्ज हो गया है। संयोजक दीपक शर्मा ने कहा कि भागलपुर का नाम विश्व रिकॉर्ड में आया यह बड़े गर्व की बात है। इस अवसर पर करण शर्मा, कुश पांडे, श्वेता सुमन, संगीता तिवारी सहित काफी संख्या में शहरवासी और आयोजन समिति के सदस्य मौजूद थे। अयोध्या में मंदिर मस्जिद का विवाद शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के साथ समाप्त हो गया। भागलपुर में दोनों समुदाय के लोग शीर्ष अदालत के फैसले से काफी उत्साहित दिखे। भागलपुर में हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की भावना को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला सुनाया है, जो स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद की आड़ में दोनों संप्रदाय के लोगों के बीच नफरत का बीज बोया गया था, जो इस फैसले के साथ ही समाप्त हो गया। फैसले को लेकर क्या कहा शहर के लोगों ने, आइए आपको दिखाते हैं। अयोध्या का जो फैसला आया है वो सम्मानजनक है, उनका हम स्वागत करते हैं। किसी भी धर्म या किसी भी मजहब में ये नहीं कहता कि किसी को दुख तकलीफ पहुंचा करके जो है किसी कहीं मंदिर बनाना चाहिए या मस्जिद बनाना चाहिए। उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसका हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। जिस प्रकार हिंदुस्तान में सभी धर्मों का सम्मान हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख ईसाई, हम सब है आपस में भाई भाई, आज कोर्ट का जो फैसला हुआ है पूरे देशवासियों को इनका सम्मान करना चाहिए और पूरे बिहार या भागलपुर कोई भी ऐसा वो नहीं हो जिससे किसी प्रकार जनता का, हर एक लोग को इनका सम्मान करना चाहिए और सभी लोग शांति सद्भाव चाहते हैं। और पूरे भागलपुर को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि किसी प्रकार का नहीं, कोर्ट का सम्मान करते हुए भागलपुर दोनों भाई शांति सद्भाव का जो कायम है उसको बरकरार रखेंगे। अरे बोलिए भाई, अयोध्या का ऐतिहासिक फैसला हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय का है और वो फैसला हम सबों को मान्य है। उनका फैसला हर वर्ग के लोगों को पहले से ही लोगों ने कर रखा था कि जो भी फैसला आएगा हम लोग सभी लोग उसको मानेंगे और पूरे इलाके में जो है उसी बात को लेकर के सभी लोग आपस में चर्चा भी कर रहे हैं, तो यही कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसमें हम लोगों को सबों को उसको मानना है और मानेंगे। इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही अच्छा फैसला, खुशी का बात है। बहुत लंबे अरसे से
जो देश में नफरत का बीज बोया जा रहा था, आज उसका अंत हुआ है और बहुत स्वागत योग्य फैसला आया है। सभी धर्मों का, दोनों धर्म का खास करके ख्याल रखा गया है और रामलला को अपना स्थान मिला है। हम तमाम भारतवासियों को, देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हैं, साथ में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट सभों को दिल से मुबारकबाद देते हैं। आज हम लोगों को दिल से सुकून मिला है कि एक जो विवाद था वो आज ख़त्म हुआ है और मुस्लिम समाज को भी ध्यान में रखते हुए उनको 5 एकड़ ज़मीन दी गई, जो कि साफ सुथरा ज़मीन, जो उसी अयोध्या नगरी में मस्जिद का निर्माण होगा। इस बात से भी काफ़ी उत्साह है लोगों में। लोगों से आप क्या अपील करते हैं? बिल्कुल शांति सौहार्दपूर्ण वातावरण में भागलपुर और पूरे हिंदुस्तान की जनता जैसे आपस में भाईचारा बनाए हुए हैं, उसी तरह से बनाए रखेंगे। और हम खास करके भागलपुर के लोग जो त्रासदी झेल चुके हैं, ऐसे दोबारा दिन नहीं लौटने का संकल्प लेते हैं और आपस में भाईचारा बनाने का संदेश देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अनवारुल हक, अल्पसंख्यक कल्याण विकास परिषद के प्रधान सचिव हैं। उसके बारे में, हम भारत के नागरिक हैं, संविधान को मानते हैं और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है इसको हम मानते हैं। और आम जनता को इससे कुछ लेना देना नहीं है। इनके जो कमेटी हैं वो इन पर क्या प्रतिक्रिया करते हैं वो उनका काम है और हम तो उसको सम्मान के साथ मानते हैं। निश्चित रूप से ये फैसला बहुत ही अच्छा, ये भारतवर्ष का फैसला है। ये किसी हिंदू या मुसलमान के पक्ष का फैसला नहीं, बल्कि ये हिंदुस्तान का फैसला है, अमन और शांति का फैसला है। हमारा जो है हिंदुस्तान, कहा जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यही है हमारा जो है परिचय। और हम जानते थे कि हमारा जो है ये, हमारा ये यहां का जो संविधान है बहुत ही अच्छा है, यहां का न्यायालय का जो है पालन लोग करते हैं। और आज इस फैसले से सारे समुदाय के लोग खुश हैं। बस हम लोग सारे लोग जो हैं चारों तरफ जो है, आज के फैसला के बाद चारों तरफ जो है खुशहाली का माहौल है। लोग जो है इससे जो खुश भी हैं, आने वाला वक्त जो है हिंदुस्तान की तरक्की का वक्त होगा। बहुत ही अच्छा फैसला, खुशी का बात है। बहुत लंबे अरसे से जो देश में नफरत का बीज बोया जा रहा था, आज उसका अंत हुआ है और बहुत स्वागत योग्य फैसला आया है। पटना में आयोजित राज्य स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर नाथनगर गुरुकुल उच्च विद्यालय के छात्र देवकृष्ण कुमार ने जिले का नाम रोशन किया है। वहीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए देवकृष्ण का चयन किया गया। छात्र की सफलता से विद्यालय के शिक्षक काफी प्रसन्न है। स्कूल के प्राचार्य प्रमोद कुमार ने देवकृष्ण को मिठाई खिलाकर उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। दरअसल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वाधान में जल जीवन हरियाली पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें नाथनगर स्थित गुरुकुल उच्च विद्यालय के छात्र देवकृष्ण कुमार ने प्रथम स्थान हासिल किया है। छात्र ने बताया कि पेंटिंग उन्हें अपने पिता माधव कृष्ण से विरासत में मिला है। छात्र ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले सर स्कूल लेवल पे पेंटिंग प्रतियोगिता हुआ था, उसमें मैं फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया। फिर भागलपुर में जितने स्कूल हैं उसके बीच पेंटिंग प्रतियोगिता हुआ, उसमें भी मैं फर्स्ट प्राइज किया। और बिहार राज्य में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित किया गया था, उसमें भी सर पूरे स्टेट लेवल पे मैं फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया। और सर मेरी पेंटिंग की शुरुआत सर मेरे पापा से होती है, मैं उन्हीं से देख देख के सर पेंटिंग सीखता हूँ। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराए। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपए में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909094।
8210975763 7542931524 6200102297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे सिल्क टीवी। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। जिला अधिकारी प्रणव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को लेकर 11 नवंबर को जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया। डीएम ने जारी किए गए आदेश में कहा है कि राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए फैसले को देखते हुए जिले में विधि व्यवस्था की समस्या असामाजिक तत्वों द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एहतियात तौर पर विद्यालय को बंद रखने का आदेश जारी किया गया। कहलगांव अनुमंडल के सनोखर थाना क्षेत्र बेलडीहा गांव निवासी राधे पासवान के 20 वर्षीय पुत्र की पोखर में डूबने से मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक मिकिन कुमार बिहार झारखंड के सीमा स्थित अपने खेत देखने गया था। इसी दौरान वह पोखर में नहाने चला गया, जहां गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। पोखर के समीप ही खेल रहे कुछ बच्चों ने युवक को डूबते देखा, जिसके बाद शोर मचाना शुरू कर दिया। वहीं मौके पर जुटे ग्रामीणों ने युवक के शव को पोखर से बाहर निकाला, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आपको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के आलोक में डीएम प्रणव कुमार ने 20 नवंबर तक जिले में किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली एवं सभा आयोजन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। डीएम ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रैली या जुलूस में असामाजिक तत्व प्रवेश कर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, जिसको देखते हुए सभी तरह के आयोजनों को रद्द रखने का आदेश निर्गत किया है। साथ ही डीएम ने सोशल साइट पर गलत एवं भ्रामक अफवाह फैलाने वाले पर कठोर कार्रवाई ग्रुप के एडमिन पर करने की बात कही। नौगछिया के मारवाड़ी विवाह भवन में सांवरिया सरकार की ओर से देव उठान एकादशी के मौके पर 3 दिवसीय श्री श्याम कथा के अवसर पर श्री श्याम जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान भक्तों ने श्री श्याम बाबा दरबार में केक काटकर सेलिब्रेट किया, साथ ही एक दूसरे के बीच मिठाई एवं टॉफी बांटकर जन्मोत्सव की बधाई दी। वहीं श्याम बाबा का दरबार आकर्षक ढंग से सजाया गया था। कार्यक्रम में कोलकाता से आई नृत्य नाटिका मंडलियों के द्वारा बाबा के मनमोहक रूप का मंचन किया गया, जिसका मौजूद श्रद्धालुओं ने भरपूर आनंद उठाया। इस मौके पर विकास चिरानिया, मुकेश चिरानिया, पारस खेमका, अशोक केडिया सहित कई सदस्य मौजूद थे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। एक चारी में आवासीय जमीन 1 लाख रुपए प्रति कट्ठा। राम मंदिर निर्माण का रास्ता हुआ साफ, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ भागलपुर का नाम। 6000 बच्चों ने मन में बापू कार्यक्रम के जरिए दुनिया को दिया शांति का संदेश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर दोनों समुदाय के लोगों ने जताई खुशी, कहा दोनों धर्मों का हुआ सम्मान। राज्य स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता में नाथनगर के देवकृष्ण को मिला प्रथम स्थान, राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ चयनित। और सोमवार को जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल रहेंगे बंद, डीएम प्रणव कुमार ने जारी किए संदेश। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।